दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा घोषित कर दिया गया है। वहीं रीवा के शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रोशिता सिंह ने कला संकाय से और आस्था सिंह ने गृह विज्ञान से 12वीं कक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय में और अपने माता पिता के साथ ही संपूर्ण जिले वासियों का नाम रोशन किया है। रोशिता सिंह ने 500 में से 479 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। रोशिता के पिता मोहित लाल सिंह है। रोशिता सिंह ने बताया कि उनके इस उपलब्धि में उनके गुरुजन माता पिता का योगदान रहा है। वहीं रोशिता सिंह ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आर्ट विषय को कम ना माने, आर्ट विषय से आप भी अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। तो वहीं आस्था सिंह के द्वारा 500 में से 451 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। आस्था सिंह के पिता अरुण सिंह लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है। आस्था सिंह के द्वारा बताया गया कि मैं गृह विज्ञान संकाय से थी और बिना कोचिंग के घर में पढ़ाई करती थी। मैं अपनी आगे की पढ़ाई अंग्रेजी विषय से करना चाहती हूं और अपने देश को अपनी पढ़ाई समर्पित करते हुए एक शिक्षक बनना चाहती हूं। मेरा नाम आस्था सिंह है। मैं शासकीय कन्या प्रवीण कुमारी विद्यालय से पढ़ी हूं और मेरे 12वीं में 500 में से 451 मार्क्स आए थे और मैं होम साइंस की छात्रा हूँ। और बेसिकली अगर पढ़ाई की बात करें तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई बहन सबका मुझे फुल सपोर्ट मिला है और घर में एक पढ़ाई का एक माहौल था जिसकी वजह से मैं पढ़ती थी तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। घर में एक पर्सनल रूम था जिसमें कि बच्चे पढ़ सकते थे, एक शांत माहौल मिला जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची थी। और अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो मैं घर में कम से कम 4 घंटे तो पढ़ती थी और 4 घंटे में पढ़ाई करती थी, उसमें ना मेरा फ़ोन रहता था और ना ही मैं दोस्तों से बात करती थी, उतने टाइम मैं फोकस होकर पढ़ती थी। और आज यहाँ पर पहुँच कर मेरा इतने अच्छे नंबर आए जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को खुशी हुई, मेरे टीचर्स को इतनी खुशी हुई जिसकी वजह से आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत प्राउड हुआ है, सारे आसपास जितने भी मेरे वेल विशर थे वो मुझसे इतना खुश हैं, इसी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं सबके आशीर्वाद और सबकी इतनी दुआओं और वेल विश का ही ये परिणाम है कि मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं आगे इंग्लिश से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, साथ में बीएड करूंगी और एक शिक्षक बनना चाहती हूं। मेरा नाम रोशिता सिंह है। मैंने 12वीं में 95.8 अंक प्राप्त किए और मैं शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूं। मेरे परिवार और स्कूल वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जी बताइए, कैसे आपकी पढ़ाई होती थी? मैं रोज़ाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, कोचिंग नहीं किया था मैंने, और मैं बुक पढ़ती थी। गाइड वगैरह का सहयोग मैंने नहीं लिया। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और मैं किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ। कितनी खुशी है आपको परिवार का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा प्रदेश में आर्ट में दूसरा स्थान आया। मैं इसका श्रेय अपने परिवार वालों और शिक्षकों को देना चाहूँगी। ये दरअसल रोशिता सिंह हैं, हमारे कला संकाय में हैं। ये तो प्रतिभा इनमें शुरू से ही थी। हाई स्कूल परीक्षा 95% के साथ जब ये एडमिशन ली हमारे इस संस्था में, तो पहले इंटरेक्ट हुए चूँकि एडमिशन्स प्रभारी थे उस समय, ये इससे हम क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि तुम्हारा रिजल्ट इतना बढ़िया हाई स्कूल का है, तुम साइंस संकाय में क्यों नहीं जा रही हो? तो इसका कहना था कि सर मुझे सिविल सेवा की प्रिपरेशन में हमको आर्ट लेना है, और फिर ये इतना मेरिट होने के बाद भी कला संकाय को ही चुना। और ये नियमित कक्षा में नियमित क्लासेस ली और इनका हाफ ईयरली क्वार्टरली में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हम तो साइंस संकाय के ही हैं लेकिन हमारे कला संकाय के टीचर अच्छी मेहनत किए और इसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके टॉप लाने के लिए, और 2 महीने अच्छी परफॉर्मेंस टीचर के द्वारा इसको दी गई, गाइडलाइन दी गई और ये अपना अचीवमेंट प्राप्त की। और ये आशा है कि ये और आगे इसका मनोबल बढ़ेगा इस प्रकार के रिजल्ट आने से।